इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री अवध के बाहर जब कथा होती है, देखो आप, फैजाबाद की अलग संस्कृति है, हमारे श्री अवध की अलग संस्कृति है, बगल में गोंडा बस्ती की अलग संस्कृति है। ये श्री अवध की जो संस्कृति है वो भजनमय संस्कृति है। प्रातःकाल हम लोग बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे तो एक भगत जी गाते जा रहे थे, ए पहुना मिथिले में रहूंगा। कान में शब्द भी पड़ेंगे तो श्री ठाकुर जी के पड़ेंगे। आप हमारे आश्रम से निकलिए, कोने में महात्मा लोग सीताराम 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 देखते ही ये आनंद कहीं मिलेगा क्या? मिथिला में जाइए, यही तो भगवत स्मरण से हमारा अंत पवित्र होता है, शुचिता संपन्न होते हैं, परिणाम हमारा स्वभाव संत का हो जाता है। संत का स्वभाव क्या है? अरे जो विभीषण जी का स्वभाव है, विभीषण जी का क्या स्वभाव है? चाहे जो परिस्थिति हो, मनस्थिति शिव जैसी बना के रखो, बस यही संत का स्वभाव है। दोबारा कह रहा हूं, चाहे जो परिस्थिति हो, मनस्थिति शिव जैसी रखो। सती मैया चली गई, परीक्षा ले ली, आई गई मायके चली गई, बाबा असक ही लगे, असक ही लगे, जपन हरि नामा, समी कर सहज स्वरूप समारा, लागे समागे अखंड अपारा। माई आई समाधि जैसे खुली, माई आई बाबा राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाहि शंभो पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कहे हरि कथा रसाला, दक्ष बजेस भये तेहि काला, लगे कहे हरि कथा रसाला, संतत्व दक्ष बजेस भये तेहि काला। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, काम जरा कठिन है, थोड़ा कठिन है, परंतु यदि सध गए आप तो संतत्व प्राप्त हो जाएगा। संत कोई वेश नहीं है। पूज्यपाद को स्वामी जी विनय में लिखते हैं, स्वभाव है। और यदि यह स्वभाव हमारा बन गया तो हम शुभग सुचि संता, अब धर्म ज्ञानी गुण, धर्म क्या है? मानस में चार स्थानों पर वर्णन है, तो पूरा धर्म ही है। राम जी विग्रहवान धर्म, महर्षि वाल्मीकि बाबा कहते हैं। परंतु धर्म की तीन सहज परिभाषाएं हैं, चौथा व्यवहार है। देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मैं इसको बार बार सुनाता हूं। परहित, परहित जो परहित हो उससे बड़ा धर्म नहीं। परहित जो करे, परहित, परहित माने जिससे हमारा रक्त संबंध न हो, उसके प्रति कुछ भी हम व्यवहार करते हैं तो ये धर्म है। ये हमारे साथी लोग हैं, इनको हम कुछ और दे देंगे तो धर्म नहीं है, वो हमारा इनसे स्वार्थ है। इनको थोड़ा कुछ दे देंगे, अरे एक डिब्बा मिठाई देंगे तो कम से कम तीन बार राम राम तो करेंगे। जिससे हमारा काम निकल रहा है उसको हम दे रहे हैं, जो मेरे काम आए
आजकल लोग परमार्थ धर्म ऐसे परहित करते हैं, लेकिन ये भी अपेक्षा करते हैं कि हमारा काम पड़े तो वो आगे टहलो बजावे, ये धर्म नहीं है। परहित, अरे नेकी कर, दरिया में डाल, दरिया कहां बस सरजू में डाल। ठीक यही बात श्री रामार्चन मंदिरम बन रहा है, सदगुरुओं का संकल्प है, श्री जानकी घाट सरकार श्री राम वल्लभा कुंज में बन रहा है। सभी आज भी कुछ बच्चों ने सेवा दी है, मैं बारंबार ये बात कहता हूं, देखो हमारा आपका कार्य है श्याम रामार्चा मंदिरम निर्माण होने तक, उसके बाद श्री महाराज जी का काम है कि वहां क्या होता है, पूजा होती है, पाठ होता है, आरती होती है, प्रसाद होती है, उसके बाद हमारा काम नहीं। उसके बाद तो हम अयोध्या वास करेंगे, हम आरती में हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, कोई अपेक्षा नहीं। ये हमको काम मिला है साहब, परमार्थ कोई देता नहीं, परमार्थ को आगे बढ़ के लेना पड़ता है। हमको आपको यह सौभाग्य मिला है कि हम यह परमार्थ पूर्ण करें। अरे अच्छा ये बताओ, न करेंगे तो क्या करेंगे, कोई विकल्प है क्या? क्या कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करेंगे ना। अरे बोलेगा जब तक ओझल ना हो जाओ। हम पैदल साइकिल रिक्शा तीनों पर सवारी किए, हम जब साइकिल से चलते थे तो जो मोटरसाइकिल कार वाले आगे आते थे ना, इतना क्रोध आता था, ससुर कुछ कर तो सकते नहीं वहां। परम धर्म श्री कालभूषणी महाराज कहते हैं गुरु जी के प्रति, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। हमारे शरीर से, हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा किसी की हिंसा न हो, यह धर्म है। मिथिलावासी धर्मशील है, यह आचरण कल काल का प्रधान धर्म। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। किसी प्रकार हो, ये न केन प्रकारेण दान। देखिए यहां भी एक बड़ी मर्यादा है, दान क्या देना चाहिए, दान कैसे देना चाहिए। जो उबर जाए वो दान नहीं है, वो उच्छिष्ट है। हम खा लिए, पेट भर गया, उसके बाद जो बचा हमने दान कर दिया, ये दान नहीं है। ये तो बचा नचा नहीं, दान करेंगे तो का गांठी बांधेंगे, तकिया के नीचे रख के सोएंगे कि फिर उठ के खाएंगे, दान नहीं है। हमारे पास जो प्रभु ने दिया है, उस प्रभु के द्वारा दिए वस्तु से दशांश प्रभु के निमित्त अर्पण करना, यह दान धर्म है। अब इसकी गणित कोई नहीं लगा सकता है। हो स्कंद पुराण में ब्रह्म वैवर्त में श्रीमद भागवतम में भी इस बात की बड़ी स्पष्ट व्याख्या है कि दान धर्म क्या है, कैसे करना। तो इससे हमारा संत स्वभाव दृढ़ होगा। संत स्वभाव वैसे स्वभाव नहीं है, स्वभाव मनुष्य का अपना निज स्वभाव। ये धर्मशील आचरण रखने से, धर्ममय आचरण रखने से हमारा स्वभाव सहज हो जाएगा। ऐसा हो गया, हम भी मिथिला अवधवासियों जैसे हो जाएंगे। सहज कहीं रहो, ये इसलिए स्मरण आया कि दोनों पुरिया आज एक साथ आएंगे, धर्म तत्व का आप दर्शन करेंगे। सरकार हमारे जनक राज ने पत्रिका बनवाई, दूत के द्वारा श्री अवध पठवाया। पहुंचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलोकी
सुहावन भूप द्वार तीन खबर जनाए दशरथ नृप सुनि लिए दूत पहुंचे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना जनकपुर से पत्रिका लेकर दूत आए हैं, विलंब नहीं किया। देखिए किससे कब मिलना है इसकी बड़ी मधुर चर्चा महाभारत जी में है। उसका स्मरण नहीं करूंगा। किससे कम मिलना है, कौन आया तो बुलाना है, किसको बैठाना है, किसको कितनी देर बाद मिलना है, किसको कब समय देना है, इसकी मर्यादा महाभारत जी में। चक्रवर्ती जी ने सुना तो तत्काल बुला लिया, दूतों से परिचय पूछा, दूतों ने परिचय दिया है, आइए आज हम लोग भाव जगत में कथा का श्रवण करते हैं। भाव जगत में हमारे श्रोता बार बार कह रहे हैं कि महाराज जी तो कथा का जो स्वरूप है एकदम अयोध्या वासियों जैसा कर दिए, कि महापुरुष लोग बैठे इसलिए हम भजन कम गा रहे हैं। दूतों की रचना बहुत मधुर लगी। दूत का कार्य है अपनी बात बड़े ही प्रेम से रखे, सामने वाले को प्रसन्न भी रखना है और अपने स्वामी के श्रेष्ठत्व का भी स्मरण बना के रखना है। दूत की भाषा अतिशय मधुर होनी चाहिए। पत्रवाहक दूतों ने कहा महाराज आपके दोनों बालकों का दर्शन करके इन नेत्रों के नीचे अब कोई नहीं आता है। प्रशंसा सुनकर, देखिए शिष्य की प्रशंसा सुनकर सद्गुरु को आनंद होता है, बेटा बेटी की प्रशंसा सुनकर माता पिता को आनंद भाव होता है। श्रेष्ठ को अपने इतर की प्रशंसा सुनकर बड़ा हर्ष होता, उसको लिखा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता। महाराज ने न्योछावरी मांगी, दूतों को न्योछावरी देने लगे। कही अनीतिते मोदे ही कानन, कहते नहीं महाराज सियाजो हमारी पुत्री जैसी है, अब ये उनका घर हो गया, यहां से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, यह हमारी मर्यादा है, यह धर्म है। अब इसकी गहराई में जाना उचित नहीं रहेगा, परंतु धर्म धारण करने के लिए है, हो कहने के लिए नहीं, धर्म रहने के लिए है। बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सहज है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।